सपा सती रैली के दौरान मंच से अभद्र टिप्पणी कर बुरी तरह से फंस चुके हैं। कांग्रेस ने उन्हें घेरना भी आरंभ कर दिया है। सोलन में भी सपा सती के खिलाफ रोष रैली का आयोजन किया गया। पुराने उपायुक्त कार्यालय के समीप जमकर सती के खिलाफ नारेबाजी की गई और इलेक्शन कमीशन से आग्रह किया गया कि वे सती के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही अमल में लाएं। सतपाल सत्ती द्वारा रैली के दौरान मंच से अभद्र टिप्पणी कर अब वे बुरी तरह फंस चुके हैं। कांग्रेस ने उन्हें घेरना भी शुरू कर दिया है। सोलन में सतपाल सत्ती के खिलाफ रोष रैली का आयोजन किया गया और पुराने उपायुक्त कार्यालय के समीप जमकर सत्ती के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और इलेक्शन कमीशन से आग्रह किया गया कि वे सत्ती के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार और अन्य नेताओं ने सत्ती को जमकर कोसा और चेतावनी दी कि भाजपा अपने अध्यक्ष सतपाल सत्ती पर तुरंत कार्रवाई करे, अन्यथा वे अपने प्रदर्शन उग्र करेंगे और जो भी नेता सोलन में रैलियों के दौरान आएंगे उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सत्ती ने जहां महिलाओं को शर्मसार किया है, वहीं राधा स्वामी अनुयायियों पर टिप्पणी करके उनकी धार्मिक भावनाओं को भी आहत किया है, इसलिए उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को सख्त कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। मैं समझता हूं जब से दिल्ली में इनकी सरकार बनी है और प्रदेश में इनकी सरकार बनी है, इन्होंने किसी मौके पे कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा जब इन्होंने राजनीति का स्तर गिराने की कोशिश ना की हो। रामशहर में जिस तरह से उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस तरह के अपशब्द उन्होंने हमारे नेता के खिलाफ बोले, हम कांग्रेस उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हम मांग करते हैं निर्वाचन आयोग से इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम और सभी के सभी कांग्रेसजन इसकी घोर निंदा करते हैं। जब से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी मैदान में कूदे हैं, उसके बाद से सतपाल सत्ती और जयराम ठाकुर जी की दोनों की जो कुर्सी है वो डगमगाती हुई नजर आ रही है और हार नजर आते हुए जो है ऐसे अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। अगर भाजपा में कोई नैतिकता बची है तो भाजपा के जो अध्यक्ष है शाहजी, उनको भी इसके ऊपर सतपाल सत्ती को इमीडिएटली निष्कासित करना चाहिए उनको, और नेतृत्व को यहाँ पे दिखाना चाहिए। वो राजनीति को शालीनता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही साथ उन्होंने धार्मिक भावनाओं, जैसे कि उन्होंने राधा स्वामी सत्संग वालों को भी जो है अपशब्द कहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो माफ़ी मांगे पूरे प्रदेश और देश की जनता से, और प्रदेश की जनता से विशेष तौर पर, क्योंकि उन्होंने पूरे प्रदेश का नाम पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में खराब किया है। इस समय पूरे विश्व की नज़र भारत के चुनावों पर है और उस समय ऐसी देवभूमि में हिमाचल जैसी पवित्र जगह पे हमारे जो सतपाल सत्ती जी हैं उन्होंने माँ की गाली राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को कही है। मैं चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द इसके लिए माफ़ी मांगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस इनके ऊपर उग्र प्रदर्शन करेगी और जो भी नेता इनका यहाँ पर आएगा उसे काले झंडे दिखाए जाएंगे। तो उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है, देवभूमि का अपमान किया है और अपनी पार्टी को भी उन्होंने जो है वो शर्मसार किया है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उनके ऊपर एक्शन हो और उन्हें जो है पद से हटाया जाए। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।